राजधानी के कुछ इलाकों में चोरों का आतंक ऐसा कि घर से निकलना मुहाल हो गया है। खून पसीने की कमाई से अर्जित कीमती सामानों की चोरी और सेंधमारी ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। खौफ ज्यादा लोग अब दिन में भी घर से निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं। कारण साफ है कि अब दिनों में भी घरों के ताले टूटने लगे हैं। राजकिशोर पांडे के घर का भी आज दिन में ताला तोड़ हजारों रुपए के गहने और 35,000 कैश ले उड़े। सुनिए क्या बोले घर के मालिक राजकिशोर पांडे और BIT मिश्रा OP के दारोगा। यहाँ पे दिन में 12 बजे हम तो चल गए थे ऑफिस, वाइफ थी घर में तो बगल में गई, तो 12 बजे ही दिन में यहाँ चोरी हो गया। उससे पहले पत्थरबाजी हुआ, उसके बाद बच्चा लोग को लाने बगल वाला के पास, बच्चा लोग सोया हुआ था, छोटा बच्चा है, दो साल का, 1-5 साल का, उसको लाने गई। तब तक यहाँ पे आई तब देखी पूरा खुला हुआ था, ये सब पूरा वही चोरी। मंगलसूत्र है, एक अंगूठी था और एक पतला कान का था और एक पतला वाला रिंग था, सोने का था। 30 या 35 हज़ार रुपया था, बस नकदी कैश था बस। परिवार वाला बोल रहे हैं कि अभी हम आधा घंटा के दरमियान ही किसी पड़ोसन के हम गए थे, वहाँ से लौटते ही देखते हैं कि मेरे घर में ये अंगूठी चोरी हुई है और मंगलसूत्र चोरी हुई है। तो यहाँ इंक्वायरी से यही पता चलता है कि आसपास के ही लोग चोर हैं, कोई भी है, हम ये समाज के बीच में ही चोर है। ये लोग जब तक आपस में मिल बैठ करके मशवरा कर लेते हैं कि भाई आए दिन हम लोग 2 आदमी 3 आदमी करके जगेंगे और गांव का पहरा करेंगे तो इससे ये बीमारी दूर होगी, और नहीं तो आए दिन ये छोटा घटना है, ये बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकती है। कोराम लाइफ के लिए उरमांझी से M. आलम की रिपोर्ट।